हेलो एंड वेलकम एमएसआर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ओ मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का भी मजा आएगा। चले इसी के साथ हो चुका आगाज क्लास 10 प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 5-6 का है। क्वेश्चन बोलता है फाइव नंबर की यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है तो जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं हल। तो किसका हल हो रहा है? फाइव नंबर प्रश्न का क्या है क्वेश्चन लिखिए उसको कि sec 4a बराबर cosec ये आपको पता है और आपको ये भी पता है कि एक फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री ये कहाँ से आया है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए चुकी करके चूंकि sec a बराबर होता है cosec 90 डिग्री माइनस a लेकिन हमने क्या किया है यहाँ sec 4a की जगह पे हमने यूज किया है cosec 90 डिग्री माइनस 4a इसका यूज किया। अब आप दोनों तरफ ध्यान से देखते होंगे तो cosec और cosec मिलता है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। फिर बचा क्या 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब समान पदों को एक तरफ कर दीजिए और समान पदों को दूसरी तरफ कर दीजिए तो माइनस 4a यही रहने देते हैं a को इधर ही आते हैं माइनस a हो जाएगा माइनस 20 है और यहाँ से प्लस उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री और दोनों को ऐड कीजिए माइनस 5a बराबर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस 110 ऐड क्यों होगा माइनस माइनस प्लस होता है इसके वजह से चीज माइनस का निकलता है इसलिए a बराबर माइनस 110 बटा माइनस 5 गुना था उधर चला गया माइनस माइनस कट गया 5 का टेबल 110 कटता है आया 5 डिग्री आंसर। हम उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्कोण है। हम लोगों को पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं तीन कोण होते हैं तो उसी की सहायता से हम लोग को इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का हल करें यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन एक स्टेप उतार दीजिए चूंकि साइन बी प्लस सी बटा टू ये क्वेश्चन बोलता है कॉस ए बाई टू त्रिभुज की बात होती है तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का है चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों या त्रिभुज के अंतर कोणों का योग। इससे पहले थोड़ा सा यह लिख दीजिए अब त्रिभुज ए बी सी सी क्वेश्चन उतारिए
देखिए आप त्रिभुज एबीसी से, जैसे त्रिभुज एबीसी से लेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। और पहला कोण अगर मान लीजिए ए है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। अब इसमें से किसी भी का मान हम लोग निकाल सकते हैं, किसी की भी मान निकाल सकते हैं जिसका हम लोग को मर्जी। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, इसका मान निकाले तो ए क्या हो जाएगा, इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आप जैसी आवश्यकता होती है प्रश्न में उसके अनुसार काम करते हैं, हमारी आवश्यकता है कि बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए लाने के लिए, तो हम लोग इस अनुसार इसको काम कर सकते हैं। अब दो आया, दोनों को भागा करेंगे, दोनों और दो से भाग देने पर, तो भाग देने पर क्या आएगा, बी प्लस सी बटा टू हो जाएगा और यहां हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बराबर 2 हो जाएगा। दोनों और भागा दिए दो से तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब यहां पर अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं कि 180 बटा 2, 180 माइनस ए बटा जो 2 है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहां साफ करना होगा, चलिए आगे बढ़ा जाए। दोनों और दो से भागा देने पर क्या आएगा, आया हमारा b प्लस सी बटा दो, यहाँ जो आया था बराबर। अब क्या करें, इसको सेपरेट करें, अलग अलग करें, तो जाएगा 180 बटा दो माइनस ए बटा दो। 180 बटा दो करने के पीछे है कि हमें 90 चाहिए था, ये इसको डिवाइड कर दिया आ गया 90। और b प्लस सी बाय टू बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, ये हमारा आ गया। अब आगे तब तक इसको रेज करते हैं। अब आगे क्या कहा है, हम लोगों का क्वेश्चन था उसको दोनों और साइन लाना, एक साइन लाना एक कॉस लाना, तो क्या करना होगा, दोनों और साइन, दोनों और साइन ए से गुणा करने पर, साइन से गुणा करने पर, दोनों और क्या करें, साइन से लोग गुणा करें। चलिए लेफ्ट साइड पहले गुणा कर लेते हैं, अगर साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बटा दो बराबर, उधर क्या होगा, इधर होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, दोनों तरफ हम लोग ने गुणा कर दिए। अब आपको जो क्वेश्चन था यहाँ इरेज कर दिया, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लगभग पैटर्न यहाँ मिल रहा है, साइन बी प्लस सी बटा दो के रूप में आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। तो यहाँ सिर्फ अंतिम क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बराबर होता है, सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, उसके रूप में हमको लाना है। यह हो जाएगा, ये तो रहेगा वन साइन बी प्लस सी बटा दो, ये तो रहेगा। अब साइन के जगह पे शिफ्ट हम लोग को चेंज कर देना है, तो ये आ जाएगा कॉस। अब मैंने क्या कहा था कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है, तो यहाँ ए बटा दो है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटा दो, ये रहा आपका आंसर आ गया। चलिए अब आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत लगता है एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, तो उस मेहनत का एक लाइक तो जरूर बनता है। मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।